हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद नताशा स्टेनकोविक अपने देश सर्बिया लौट गई हैं। इन दिनों एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि वे अपने बेटे अगत्य के साथ काफी एंजॉय कर रही हैं। लेकिन फिलहाल नताशा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या है नताशा से जुड़ी बड़ी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल हाल ही में नताशा ने एक पोस्ट शेयर किया है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया है या फिर बदलने के बारे में सोच रही हैं। नताशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक सेल्फी पोस्ट की, जिसमें वे मुस्कुराती दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, जब आप सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं तभी आपको एक नया नाम मिलता है। आप वो नहीं हैं जो आप थे, बल्कि वो हैं जो भगवान कहते हैं कि आप हैं। इतना ही नहीं, नताशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई और फोटो और वीडियो शेयर किए। इनमें वे अगत्य के साथ पूल में एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। किसी फोटो में अगत्य साइकिल के साथ नजर आ रही हैं, तो किसी फोटो में कार वॉश करते हुए दिखाई दे रही हैं। इससे पहले एक्ट्रेस ने आउटडोर मूवमेंट्स की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। आपको बता दें कि नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में शादी की थी, लेकिन 2024 के शुरुआती महीनों से ही उनके तलाक की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद 18 जुलाई को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए हार्दिक नताशा ने अपने अलग होने की अनाउंसमेंट की।